जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सर आप लोगों के बीच जिज्ञासा अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रैक्टिस सीरीज के विषय में बात करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग वाला जिला है। ऑप्शन ए कहता है प्रतापगढ़, बी कहता है सहारनपुर, सी कहता है लखनऊ, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करता है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। सहारनपुर आम जानते हैं, इसको मैंगो कहते हैं, मैंगो से जो है प्रसिद्ध है। लखनऊ जो है आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी है और नवाबों का शहर लखनऊ है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो आपका क्या कहता है इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है। ऑप्शन ए कहता है 570 किलोमीटर, ऑप्शन बी कहता है 1450 किलोमीटर, ऑप्शन सी कहता है 1310 किलोमीटर, डी कहता है 1110 किलोमीटर। आप लोग बताने का प्रयास करिएगा अमन भैया इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखते हैं अमन भैया सबसे पहले कौन सा इसका आंसर बताने का बच्चा प्रयास करता है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है कितनी? 1450 किलोमीटर। 570 जो है उत्तर प्रदेश से नेपाल की सीमा साझा करता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका तीन क्या कहता है इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए कहता है कानपुर, बी कहता है मेरठ, सी कहता है रायबरेली, डी कहता है सोनभद्र। आप लोग बताने का प्रयास करिए क्वेश्चन नंबर तीन का जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चार आपका क्या कहता है इसको देखते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस किन शहरों से गुजरती है? ऑप्शन ए कहता है लखनऊ, बी कहता है अमेठी, सी कहता है आजमगढ़, डी कहता है यह सभी। आप लोग बताने का प्रयास करिए अमन भैया कौशिक सालू ब्यूटी नेहा। आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यह सभी। लखनऊ अमेठी आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है गुजरती है इन शहरों से। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पांच आपका क्या कहता है इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्ट का भंडार पाया जाता है। ऑप्शन ए कहता है मऊ, बी कहता है गोरखपुर, सी कहता है ललितपुर, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ललितपुर। गोरखपुर में जो है सबसे अधिक जो है वर्षा होती है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका छह क्या कहता है। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी ये सभी। आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा तो देखते हैं। मन बताते हैं कि शनि बताते हैं कि सागर बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर छह का जो राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, डी ये सभी। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर ये है उत्तर प्रदेश जो है आपका चौथे स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका सात क्या कहता है इसको देखते हैं। प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित है। ऑप्शन ए कहता है गोरखपुर, सी कहता है गौतम बुद्ध नगर, सी कहता है वाराणसी, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा गोरखपुर। वाराणसी को काशी और बनारस के नाम से जानते हैं। वाराणसी का प्रसिद्ध साड़ी है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका आठ क्या कहता है। उत्तर प्रदेश में किसान पति योजना लागू की गई है। ऑप्शन कहता है 1665 ईस्वी में, ऑप्शन बी कहता है 1947 में, ऑप्शन सी कहता है 1992 में, ऑप्शन डी कहता है 1946 में। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर आठ का जो है राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका नौ क्या कहता है इसको देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कहता है मऊ, बी कहता है नोएडा, सी कहता है सीतापुर, सी कहता है खलीलाबाद। आप लोग बताने का प्रयास करिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नोएडा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है इसको देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, फरुखाबाद जाना जाता है, ऑप्शन ए कहता है आलू, बी कहता है आपकी छपाई के लिए, सी कहता है और बी, डी कहता है या सभी। सब लोग बताने का प्रयास करें कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखते सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करता है। फरुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। आलू जो है आगरा का ताज ब्रांड आलू के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बात अगली क्लास में हम लोग करते हैं। जय हिंद।